हेलो एवरीवन, दिस इज अभिहाशमी। आज के लेक्चर के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी बोर्ड का जो भी साइज़ है या जो भी शेप है वो एलटीएम में किस तरीके से जो है वो बनता है या कट होता है, और फॉर एग्जांपल अगर यू शेप पीसीबी है तो वो किस तरीके से एलटीएम में बनेगी वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको और दो तीन चीज़ें बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट है ये हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो इसकी लेआउट जो है बनाना सीखी थी, कि नहीं लेक्चर नंबर 4 के अंदर किस तरीके से जो है इसकी लेआउट बनती है, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है मैंने आपको बताया था इस सर्किट जो है मैंने किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया है स्कीमेटिक विंडो के अंदर। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है इनको देख सकते हैं, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको जो है वो लाइन बिल्कुल लाइन से आपने सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में सारी वीडियो बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। इससे ये आसानी होगी कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर पे तो आपको जो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो है वो ये सारे स्टेप्स करने होंगे, इसलिए जो है मैं इनको देखते हुए बना रहा हूँ। क्योंकि मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस है, और मेरी जो जॉब है वो भी एज अ पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर में जो है वो काम करता हूँ, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको जो है आप इस सीरीज़ को लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर की करिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है मैंने आपको ये साइजिंग करना सिखाई थी, किस तरीके से आप जो है बोर्ड का जो है वो साइज़ कर सकते हैं अपने जो भी आपको जो है पैरामीटर मतलब यानी कि लेंथ है उसके मुताबिक जो है वो आप कर सकते हैं एडजस्ट पीसीबी बोर्ड साइज़ को। अगर आप जो है वो इसकी कटिंग करना चाहते हैं यानी इस बोर्ड की जो आप कटिंग करना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने व्यू में जाना है और बोर्ड प्लानिंग मोड पे क्लिक करना है। ठीक है, व्यू में जाना है, बोर्ड प्लानिंग मोड में जाना है। ठीक है, इसके अंदर 3 व्यू हैं। नंबर 1 जो है बोर्ड प्लानिंग मोड है, 2 है 2D लेआउट, ठीक है, जिसमें हम थे, और तीसरा है 3D लेआउट। तो हम जाएंगे बोर्ड प्लानिंग मोड में, और फिर यहाँ हम जाएंगे डिज़ाइन में, और यहाँ हम जाएंगे मॉडिफाई शेप। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और फिर आपने जो है वो जैसा आपने जो है वो लेआउट बनाना है, यू शेप हो या जो है वो एल शेप हो या रेक्टेंगल स्क्वायर, जिस टाइप की आप पीसीबी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, और अब हम जाएंगे इसमें 2D मोड पे जाएंगे पहले, और इसको जो है हम ये पूरा कवर करना होता है आपने ये जो लाइट पर्पल कलर से। ठीक है, अब हम जाएंगे 3D व्यू में, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैंने कट किया है। और इस तरीके से आप कोई भी पीसीबी जो है वो कट कर सकते हैं एलटीएम के अंदर किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी शेप की। सिंपल आपने बोर्ड प्लानिंग मोड में जाना है, और फिर आपने डिज़ाइन में जाना है, और फिर आपने जाना है मॉडिफाई बोर्ड शेप पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने जो है वो एक और चीज़ बतानी थी, वो क्या है, आपने जो है वो दोबारा से 2D में जाना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसके बॉर्डर पे जो है ना एक बॉर्डर हो, मतलब ना अभी इस पे बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर लेस है, यानी जब ये फिज़िकली बनकर आएगी तो इस पे जो है ऊपर सिल्क लेयर की एक बॉर्डर नहीं होगी। तो वो किस तरीके से आती है, अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपने जो है फिर वो यहाँ लाइन पे जाना है, और फिर आपने जो है यहाँ से पहले यहाँ से टॉप लेयर सेलेक्ट करनी है, फिर आपने जो है वो लाइन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड करके जो है वो खत्म कर देता हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा ये कि अगर आपने इस तरीके का कोई शेप बनाया तो इसमें आपको जो है वो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो टाइम नहीं होता, आपने जो है वो जल्द से जल्द काम करने होते हैं। तो आपने जो है वो दोबारा से डिज़ाइन में जाना है, यहाँ बोर्ड शेप होगा इसमें जाना है, और क्रिएट प्रिमिटिव फ्रॉम बोर्ड शेप इस पे आपने क्लिक करना है।
अच्छा यहाँ से आपने विड्थ सिलेक्ट करनी है। अच्छा 40 इक्वल टू 1 मिल है तो इसको जो है मैं 40 ही कर देता हूँ, और यहाँ से लेयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी लेयर की मुझे जो है वो टॉप लेयर, बेसिकली सिल्क लेयर होती है, टॉप ओवरले ओवर ले देख सकते हैं आप, इसको हमें ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं जो भी आप शेप बनाएंगे उस पर ऑटोमेटिकली जो है एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। और आप ये जो माउंटिंग होल्स हैं इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको सिर्फ जो है यही सिखाना था कि किस तरीके से जो है वो साइजिंग भी बता दी एक तरीके से आप कह लें, और कट किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको जो है उस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा, और आप जो है वो इंशाल्लाह जो है बहुत कुछ सीखेंगे अगर आपने मेरी सारी सीरीज़ जो है वो देख ली। तो इसी तरीके से जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और किसी किस्म की भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की मैं मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।